भाजपा प्रवक्ता विकास भगत ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को गुजरात की तर्ज पर विकसित करना चाहते हैं। सरकार पर्वतीय इलाकों में पानी की समस्या को दूर करने के प्रयास कर रही है। काशीपुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने कहा, मुख्यमंत्री लगातार उत्तराखंड को गुजरात की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब से राज्य में G20 का आयोजन किया गया, तब से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिला है। मुख्यमंत्री के प्रयासों से केंद्र सरकार से जमरानी बांध को भी स्वीकृति मिल गई है। इससे पर्वतीय इलाकों में होने वाली पानी की कमी को दूर किया जा सकता है और दोनों राज्य को सिंचाई के लिए भी योगदान मिलेगा। वहीं भाजपा अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने कहा, अगले चुनाव में भाजपा की ही जीत होगी। क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को काफी इससे लाभ होने जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है, जो प्राकृतिक स्रोत है वो सूख गए हैं और इसके साथ ही साथ पेयजल की बहुत किल्लत हो गई है। किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, लेकिन जमरानी बांध बन जाने से किसानों को सिंचाई का जल उपलब्ध होगा, पेयजल की जो समस्या जो हमारे तराई भावर क्षेत्र में है वह दूर होगी और वाटर लेवल ऊपर जाएगा। इसके साथ ही साथ वहाँ पर्यटक गतिविधियाँ भी वहाँ संचालित होगी और बिजली बनाने का प्रोजेक्ट भी उस जगह पर लगाया जाएगा। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। चार धाम यात्रा के माध्यम से हम सब ने देखा किस तरीके से यहाँ बहुत बड़े बड़े काम, चाहे वह सड़कों के स्तर से उत्तराखंड के प्रति हमारे प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी उनका विशेष लगाव है, जिसके माध्यम से उत्तराखंड को केंद्र सरकार के माध्यम से बहुत बड़ा लाभ मिला। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।